बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज पेपर हुआ है एफपीएससी का, एफआईए का, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए था और PS17 था। उसमें कुछ करंट अफेयर्स जो हैं वो आए हुए थे और उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई, तो आप देख सकते हैं। ये डेट है एफपीएससी करंट अफेयर्स July 24, 2022। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। क्वेश्चन एज आस्क्ड इन द एफआईए AD टेस्ट कंडक्टेड ऑन July 24, 2022 टू गेट आउट नोट्स। ये आप नोट्स मेरे से ले सकते हैं, जितने भी ये पेपर वगैरह होते हैं मेरे पास, उनका जो है मटेरियल वगैरह होता है सारा कुछ। तो इसमें जो पैटर्न था, देयर वर 16 क्वेश्चन फ्रॉम द FIA एक्ट 1974, 20 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश एंड अदर 20 क्वेश्चन फ्रॉम अरिथमेटिक पोर्शन, और इसमें करंट अफेयर्स भी था और इसमें जनरल साइंस भी थी और इसमें पाकिस्तान अफेयर्स को मिक्स किया हुआ था करंट अफेयर के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिक्लेयर्ड द नोवल करोना वायरस COVID-19 आउटब्रेक अ ग्लोबल पेंडेमिक ऑन। डेट पूछी हुई थी मार्च 11, 2020, इसका आंसर है। नंबर टू, विच कंट्री रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट COVID-19 केस ऑन May 12, 2022। तो नॉर्थ कोरिया जो है इसका जो है वो सही आंसर है। उसके बाद नंबर थ्री, किम जोंग उन हैज बीन सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया सिंस 2011 एंड द लीडर ऑफ द वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया WPK सिंस 2012। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फोर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स इज स्केड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। इसका ये सही आंसर है। उसने पूछा था किस कंट्री में ये होनी है, तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद वेन्यू ऑफ CWG कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 फ्रॉम 28 जुलाई टू 8 अगस्त 2022, इसका जो आंसर था वो था ब्रिमिंगम इंग्लैंड। उसके बाद है नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, द सेवंथ सीजन ऑफ 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स विच इज़ टू बी हेल्ड इन पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टू 2023। तो ये उसकी थोड़ी सी ना एक्सप्लेनेशन है, असल में ये क्वेश्चन नहीं था, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद आगे भी उसकी एक्सप्लेनेशन, द कॉमनवेल्थ गेम्स हैव बीन कंडक्टेड बाय द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन एवरी 4 ईयर्स एक्सेप्ट फॉर 1942 एंड 1946 ड्यू टू वर्ल्ड वार टू, सिंस द फर्स्ट ब्रिटिश एम्पायर गेम्स वर हेल्ड इन हैमिल्टन कैनेडा इन 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया पेपर के अंदर, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड पाकिस्तान विन इन 2020 पैरा ओलंपिक्स गेम वन बाय अर्शद नदीम। ये सबको पता है बाय पाकिस्तान पैरा एथलेटिक हैदर अली, सॉरी। उसके बाद है द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म इम्पोर्टर 2017-2021, तो वो है इंडिया। इंडिया के बाद सऊदी अरेबिया है और उसके बाद इजिप्ट है। उसके बाद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्पेन हु विजिट पाकिस्तान ऑन 10 सितंबर 2021, उसका नाम पूछा हुआ था पेपर के अंदर, वो था जोस मैनुअल अल्बेयर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन्स फॉरेन सेक्रेटरी हु अराइव्ड इन पाकिस्तान ऑन 2 सितंबर 2021 वाज, इसका नेम क्या था, डोमिनिक राब, इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इटली हु विजिट पाकिस्तान ऑन 5 to 6 September 2021 वाज, ये भी उसका नाम पूछा था, लोगी डी मायो। आज के पेपर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो थे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट है, रशिया लॉन्च द वाइड रेंजिंग अटैक ऑन यूक्रेन ऑन February 24, 2022। इमरान खान 23 फेब को गए थे और 24 फेब को आगे जो है वो इसको मीम भी बनी हुई थी, तो जो है उन्होंने अटैक कर दिया रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है, द 47th सेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ OIC वाज हेल्ड इन 27 से लेकर 28 नवंबर 2020 इन नियामे नाइकर, ठीक है। तो ये उसमें हुआ था, ये नाम पूछा हुआ था कंट्री का। वेन द NACTA नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान इन 2009 एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव विंग विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये अंडर है इंटीरियर मिनिस्ट्री के जेर दाखिला के अंडर होती है। उसके बाद द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस UN इज एंटोनियो गुटेरेस, इसका नाम पूछा हुआ था, बान की मून था, कुफिया नाम था, तो एंटोनियो गुटेरेस जो है उसका सही आंसर है। अ मेंबर ऑफ द पोर्टुगीज, ये उसकी थोड़ी बात आगे जो एक्सप्लेनेशन है देख सकते हैं आप। उसके बाद वर्ल्ड बाइसाइकिल डे इज मार्क्ड एनुअली 3 जून जो बाइसाइकिल डे, और उसके बाद इंटरनेशनल वर्ल्ड ब्रेली डे इज सेलिब्रेटेड ऑन January 4, ये उसकी बर्थ
थी जन्म किशोर बरेली की, और उस सेंस में ही उसका जो है नाम लिख लिया जाता है। उसके बाद नंबर EU द यूरोपियन यूनियन अल्टरनेटिव टू चाइनाज BRI द बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटजी इज द ग्लोबल गेटवे। वहाँ पर आपको क्वेश्चन थे ग्लोबल गेटवे, वर्ल्ड गेटवे, तो उसका जो आंसर है वो है ग्लोबल गेटवे, जी कहते हैं इसको। नंबर नेक्स्ट, टर्की ऑफिशियली चेंज इज नेम एट UN टू टर्की। इसके स्पेलिंग देख लें आप TURKEY, उसके यू के ऊपर दो नुकते में, वो पता नहीं किस सेंस में कहते हैं। 2 जून को नाम चेंज हुआ था। श्रीलंकन एक्टिंग प्रेसिडेंट इज रनिल विक्रम सिंह। ये मेरे ख्याल में इसका आंसर है, अब की में उन्होंने कुछ और बताया हुआ है। चले, द 36th एशियन समिट वॉज हेल्ड वाई वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन June 26, 2020 एंड होस्टेड बाय वियतनाम। वियतनाम इसका जो है वो आंसर था सही। उसके बाद ये सारा एशियान के बारे में बताया गया, ये कहाँ हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वगैरह वगैरह, इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो वही इसके अंदर बताया गया। उसके बाद है द लास्ट एनुअल मीटिंग नॉट वर्चुअल ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वॉज हेल्ड ऑन January 21, 2022 से लेकर 2024 तक 2020 में हुई। इज अ स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, एस्टैब्लिश 1971, ये उसके बारे में बताया गया। तो उसके बाद है द लास्ट टाइम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टुक प्लेस इन पर्सन एट द स्विस स्की रिजॉर्ट ऑन January 21, 2024 2020। ये थोड़ी उसकी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये आप देख सकते हैं, द 47th सेशन G7 समिट वॉज हेल्ड फ्राम 11 to 13 June 2021 इन कॉर्नवाल UK। UK इसका सही आंसर था। उसके बाद द गवर्नर बलूचिस्तान इज मीर जान मोहम्मद खान जमाली इज सर्विंग एज एक्टिंग गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ सईद जहूर अहमद आगा, भी आया होता है इसके अंदर वैसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट ब्लैक एंड अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन जज वो कौन सी थी। केटांजी ब्राउन जैक्सन इसका नाम पूछा हुआ था। उसके बाद 11 अक्टूबर 2019, ये आगे पूछ सकते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत। उसके बाद है हु हैड रीच्ड अ डील टू बाय ट्विटर फॉर $44 बिलियन ऑन 25 अप्रैल 2022 द टेस्ला CEO इन रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ एलन मस्क। ये नाम पूछा हुआ था उन्होंने, तो एलन मस्क का सही आंसर है इसका। उसके बाद है विच कंट्री लिफ्टेड 93 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी सिंस 2013। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये कहा था कि चाइना ने जो है वो अपने कंट्री से बहुत सारे लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर ले आए, मतलब गुरबत ख़त्म कर दी उन्होंने। उसके बाद है रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज एशियाज इक्वलेंट टू द नोबल प्राइज। ये किसको मिला, डॉक्टर अमजद साकिब को मिला जो कि फाउंडर है अखुवत के। उसके बाद है ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद नंबर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट स्पेशल स्टेटस ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है, आगे देख सकते हैं। जो बाइडेंस टेन्योर एज द 46th प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बिगेन विद हिज इनॉग्रेशन ऑन January 21, 2021 2020 में तो इलेक्शन हुए और जो बाइडेन ने हल्फ लिया 20 जनवरी 2021 में नेक्स्ट ईयर। उसके बाद है नेक्स्ट, ये उसके बारे में सारा कुछ बताया हुआ है जो बाइडन के बारे में, ये कौन था पहले क्या, इसके बाद कौन सा होता था। तो आज भी इतना काफ़ी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।